नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, शार्प जॉलाइन। फ्रेंड्स, आजकल ये बहुत ही ज्यादा फैशन है कि सबको एक मस्त इवन जॉलाइन चाहिए, शार्प चाहिए, जिससे लुक बेटर हो सकता है। तो सभी लोग कई तरह के पैतरे करते हैं इसमें कि जॉलाइन शार्प हो जाए। कोई लोग एक्सरसाइज करते हैं, कोई सर्जरीज करते हैं, यहाँ तक कि फिलर्स, बोटॉक्स या फिर लिफ्ट वगैरह करवा के, सर्जरीज करवा के भी करते हैं। लेकिन ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो 200-300 रुपए का ये जो रबर है, ये वाला रबर जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है और एडवर्टाइजिंग कंपनी आपको बताती है कि इस पे चबा चबा के जब आप करोगे तो आपका जॉ लाइन शार्प हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके यंगस्टर्स के लिए जो लोग रबर खरीद के जॉ लाइन शार्प करना चाहते हैं। मैं इसके डिसएडवांटेजेस, इसके प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ, यू विल बी शॉक्ड। तो अगर आप इस तरह के रबर खरीदने वाले हैं ये सोच के कि 200-300 रुपए में आपका जॉ लाइन शार्प होने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कब। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरी स्क्रीन पे, ओके, तरह तरह के जॉ लाइन कंपनीज है, इस तरह के अवेलेबल है मार्केट में, ओके। 300 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, ये इस तरह को हड्डी को बांध के रखिए, ये वाला है, ओके, ये देखिए कम, ओके। तो फ्रेंड्स, ये गलती आप लोग कभी भी मत करना। फ्रेंड्स, मैं 15 साल से डेंटिस्ट्री कर रहा हूँ, ये जो सारे फोर्सेस है, ये जो भी आपको फोटोज दिखा रहे हैं, ये मॉडल्स एक्टर्स के हैं जिनके जॉ लाइन पहले से शार्प है, उनको पैसे दे के फोटो शूटिंग की गई है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा इतने हार्ड मटेरियल पे चबा रहा है उसको, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको होएगा मसल्स और टीएम जॉइंट पे। ये जो आपका जॉइंट है और ये जो मसल्स है, ये सब दर्द होने लगेंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये दर्द तो अच्छा है, चलो मेरा मसल फैट लॉस हो रहा है, मसल स्ट्रांग हो रहा है, नहीं, इससे सब आगे जाके आपको हेडेक, टीएम जॉइंट प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। आज भी मेरे पास पेशेंट आया, हालांकि वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहता, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो एक अपकमिंग मॉडल है, वो मेरे पास आया है ये प्रॉब्लम लेके कि ये वो दिन रात चबा रहा था, अभी उसका पूरा जो जबड़ा है वो शिफ्ट हो गया, एक बाजू के मसल्स टाइट हो गए हैं, वो ठीक से मुंह नहीं खोल पा रहे, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जब देखते हैं उसको डबल विजन डेवलप हो रहे। सिर्फ 15 दिन उन्होंने यूज़ किया हुआ है ये चबा चबा के 3 से 5 मिनट, और इतने सारे प्रॉब्लम्स। और ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, वैसे काफ़ी लोग हैं जो ये प्रॉब्लम मेरे पास लेके आते हैं, जिनके दांत थोड़े भी वीक है वो दांत हिलने लगते हैं, पूरे दांत का मूवमेंट्स होने लगता है, क्योंकि सब प्रेशर दांतों पे जा रहा है। जबड़े पे तो बाद में जाएगा, सबसे पहले प्रेशर दांतों पे जाएगा। तो दांतों के इश्यूज, बोन्स के इश्यूज, दांत हिलना, जॉइंट इश्यूज, हेडेक, ये पूरा जो आई का इश्यूज है, ये सब डेवलप हो रहा है सिर्फ ये 300 रुपए के रबर के लिए। और ये सब हम लोग कर रहे हैं अच्छा दिखने के लिए। तो ये सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी के साथ कि ये सब चीज़ों में मत गिरिए। अगर आपको जॉय लाइन शार्प करने हैं तो उसके और भी सारे नेचुरल तरीके हैं, वेट लॉस के तरीके हैं, डॉक्टर्स के पास तरीके हैं। मैं नहीं कहता आप सर्जरीज करवाइए, नेचुरल तरीके और भी हैं, लेकिन अगर आप ये तरीका अपना रहे, मैं कोई कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई कंपनी मुझे बोले कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं डेली प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, दिन के 30-40 पेशेंट देखता हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ 3 से 4 पेशेंट ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। उन्हें कोई भी दांत का प्रॉब्लम नहीं था, ना कोई जॉइंट का प्रॉब्लम था, 20 से 30 साल की सिर्फ उम्र में थे और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, ये पहले नहीं थे। तो इससे आप बच के रहिए, ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए, वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में ना गिरे। ये मेरे युवकों को खास इसमें विनंती है। अगले टाइम तक थैंक यू वेरी मच। मेरी YouTube चैनल को ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।